So hello students, welcome to daily AIAPGET practice questions organized by Apta Ayurveda Classes. Daily you are given a target of 10 questions and the time limit is 15 minutes. Now I will let you know how you can solve the test. First you have to download the Apta Ayurveda Classes app from Google Play Store. After that you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course, and after enrolling you can start appearing for the test. Once you are done with solving all the 10 questions, you can check the right answers with us on our YouTube channel, that is Apta Ayurveda Classes. So now let us begin with today's set of 10 questions. The first question is, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शल्य तंत्र का ये क्वेश्चन है। सूची एक में देखिए, तरुणास्थि, नलकास्थि, कपालास्थि, रुचकानी या रुचकास्थि। सूची दो में विभिद्यन्ते, स्फुटयन्ते, नमयन्ते, भजयन्ते। अब इसको एक एक करके हमें मैच करना है। भग्न अध्याय से ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा बहुत बार छूट जाता है। हम सिर्फ संधि मुक्त और कांड भग्न के ही लक्षण याद करते हैं, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां का। अब पहले देखिए तरुणास्थि, तरुणास्थि का क्या है, नमयन्ते, यानी नम पड़ जाती है। नलकास्थि, नलकास्थि के संदर्भ में क्या कहा गया है, भजयन्ते, नल से भजिए निकलते हैं, ऐसा हम फंडा याद रखते हैं इसको। कपालास्थि, कपालास्थि का क्या है, विभिद्यन्ते, विदीर्ण हो जाती है। और रुचकास्थि, ठीक है, यहाँ रुचकानी, स्फुटयन्ते, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में चारों ले लिया है, ताकि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और भग्न अध्याय का क्वेश्चन है, तो बहुत बार हमारा उतना वहां पे फोकस जाता नहीं है, इसलिए चारों पता होने चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ए का क्या है 3, बी का 4, सी 1 एंड डी 2। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। रेफरेंस सुश्रुत निदान 15 अध्याय, भग्न निदान श्लोक नंबर 17। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से पढ़ो जाकर इसको, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो, द्रव्य गुण का ये क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे AIPGT में NTA ने जो पिछले 2-3 साल से पैटर्न शुरू किया है, क्या पैटर्न है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देना भी आपको स्टार्ट किया है। या तो वो द्रव्य गुण के फॉर्म में इमेज रहेंगे, या फिर वो शल्य तंत्र में बंध के फॉर्म में रहेंगे, या रसशास्त्र में जो यंत्र शस्त्र दिए गए हैं उसके फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने को इसकी भी एक हैबिट बिठानी है कि हमारा ये क्वेश्चंस जो है वो गलत नहीं होने चाहिए। इसलिए अभी यहाँ देखो इमेज दी गई है, ऑप्शन ए रुत्पत्री, बी यक्षधूप, सी जपा एंड डी कपिकच्छु। तो मुझे लगता है बहुत स्टूडेंट्स ने गैस भी कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रुत्पत्री, ठीक है। रुत्पत्री को क्या कहा जाता है, डिजिटैलिस परप्यूरा। तो ये ध्यान में रखिए। फैमिली कौन सी है इसकी, स्क्रूफाइलेसी, स्क्रूफुलेरियसी, ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसको डिजिटैलिस भी कहा जाता है इंग्लिश नेम में। और इसके पर्याय क्या क्या दिए हैं, तिलपुष्पी बताया गया है। रुत्पत्री क्यों, क्योंकि हृदय रोगों में इसके पत्र का प्रयोग किया जाता है। और तिलपुष्प क्यों, क्योंकि इसके जो पुष्प है ना वो तिल के समान है, ठीक है। ये ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी जो इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट दिए हैं, दैट इज डिजिटैलिन, साइटोक्सिन, इस पे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन ए रुत्पत्री। अष्टांग संग्रह अनुसार, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अष्टांग संग्रह अनुसार विधुर मर्म पर आघात होने से क्या परिणाम होता है। क्वेश्चन इजी है बहुत, बट इंपॉर्टेंट है। विधुर मर्म किससे रिलेटेड है, ईयरिंग, ठीक है, ईयर और ईयरिंग से रिलेटेड है वो। तो क्या होगा, उस पर आघात होगा तो बधिरता। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लो। मूकता कब होता है, धमनी मर्म पे आघात होने से। मूकता, स्वर वैकृत्य, अरसग्राह्यता। अंधता कब निर्माण होता है, अपांग मर्म। दो जगह अंधे बताया है, एक अपांग और दूसरा कौन सा है, आवर्त। और अरसग्राह्यता किसमें है, ये भी धमनी में है, तो नोट करके रखो। बधिरता बताया गया है विधुर मर्म के संदर्भ में, ठीक है, ये ध्यान में रखो। गंध अज्ञान कहाँ पर है? फणा मर्म में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है इजी वाले क्वेश्चंस, फर्स्ट राउंड वाले क्वेश्चंस जो हमें पता होने चाहिए। रेफरेंस अष्टांग संग्रह शारीर स्थान 7/9। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भले ही क्वेश्चन अष्टांग संग्रह का है लेकिन दिया गया लगभग सब सुश्रुत के समान ही है, तो ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए अपने, ठीक है। तो थर्ड का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, रस कर्पूर की चिकित्सीय मात्रा है। रसशास्त्र का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1/24 से 1/16 रत्ती, बी 1/64 से 1/32 रत्ती, सी 1/32 से 1/16 रत्ती एंड डी 1/120 से 1/30 रत्ती। तो ध्यान में रखो इसका आंसर है ऑप्शन बी 164 से 1/32 रत्ती, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लो, याद कर लो रस कर्पूर की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Database of Indian Medicinal Plant is published by। हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आयुष, बी CCRS, सी CSIR एंड डी CCIM। तो ध्यान में रखो ये डाटाबेस ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट पब्लिश किसने किया है? CCRS ने पब्लिश किया है, ठीक है। नोट करके रखो, ये अपने पास आ सकता है क्वेश्चन, आयुष जीके में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुश्रुत अनुसार योनिमुख निरुद्धति कौन से मूढ़ गर्भ के लिए कहा गया है? पहले तो मूढ़ गर्भ के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, तो उनके लक्षण अपने को चारों के याद होने चाहिए। ऑप्शन देखो, ए कील, बी प्रतिकूर, सी बीजक एंड डी परिघ। रेफरेंस सुश्रुत निदार 8/4। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए कील। कील के संदर्भ में ये लक्षण आया है, ठीक है, नोट करके रखो। ये कील के संदर्भ में क्या कहा गया है? एग्जैक्ट श्लोक, ऊर्ध्व बाहु शिरोपाद, ऊर्ध्व बाहु शिरोपाद योनि मुख निरुद्धति, ऐसा लक्षण है। और कील को हम मॉडर्न में क्या कहते हैं? कील या फिर संकील भी नाम है, संकील। इसमें चेस्ट, बैक एंड साइड प्रेजेंटेशन ऐसा कहा जाता है। प्रतिकूर के संदर्भ में क्या कहा गया? निसृत हस्तपाद शीर काय संगी, जिसे मॉडर्न में हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ हैंड्स विथ 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स, प्रेजेंटेशन ऑफ हेड विथ 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स, ये ध्यान में रखो। बीजक के बारे में क्या कहा जाता है? बीजक में निर्गच्छति एक शीरभुज, यानी हेड प्रेजेंटेशन विथ हैंड्स प्रोलैप्सिंग। और परिघ के बारे में क्या कहा जाता है? परिघ इज ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। तो ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज भी ध्यान में रखना जरूरी है अपने को। सिर्फ आयुर्वेद याद किया तो उससे हो जाएगा ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसमें। हाँ, परिघ के बारे में क्या कहा गया है? परिघ एवं योनिमुख आवृत्य। तो ये चारों के पता होने चाहिए आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए कील। क्वेश्चन नंबर 7, सुश्रुत अनुसार कौन से स्थान से उत्पन्न आभ्यंतर विद्रोधि का लक्षण मारुत कोप है? मारुत कोप का मतलब क्या होता है? मारुत यानी क्या? वात, वात का प्रकोप होना। तो जो आभ्यंतर विद्रोधि के अलग अलग स्थान दिए गए हैं, टोटल 10 स्थान दिए गए हैं, उसमें से मारुत कोप कौन से लक्षण में मिलता है? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कुक्षी, बी पक्वाशय, सी आमाशय, डी बस्ती। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए कुक्षी। कुक्षी को मारो, ऐसा हमने फंडा बनाया है इसका, तो नोट करके रखिए इसे। रेफरेंस सुश्रुत निदार 9वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 20, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूरे 10 के 10 आभ्यंतर विद्रोधियों के स्थान और एक प्रकार से उनके लक्षण जो है वो जरूर याद कर लीजिए आप, क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा उसके कारण आर के रूप में, यानी एक असर्शन दिया है, यानी अभिकथन का मतलब क्या होता है? असर्शन होता है, और आर मतलब रीजन होता है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं AIPGT में। अभी आजकल सीधे 1-1 लाइनर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कॉम्पिटिशन का जो लेवल है वो थोड़ा टफ हो गया है। तो यहाँ रीजन असर्शन क्वेश्चंस के भी हम प्रैक्टिस आपको करवाने वाले हैं। तो तो यहाँ देखिए जो ए असर्शन दिया है वो क्या है, कपाल कुष्ठ वात दोष प्रधान होता है ना, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, रुक्ष अरुण परुषानी विषम विश्रुतानी कपाल कुष्ठ का लक्षण है, बिल्कुल ये भी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। अब देखो कंडीशन क्या बोलती है, उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या है, ए सही है परंतु आर सही नहीं है, गलत, क्योंकि दोनों सही है। दूसरा देखो, ए सही नहीं है परंतु आर सही है, ये भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है चलो देखते हैं बाद में। ऑप्शन डी क्या है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। अब देखो यहाँ पर ए और आर को देखो अच्छे से, ये ए जो है वो कपाल कुष्ठ में कौन सा दोष रहता है इसके बारे में कहा गया है, आर जो है वो कपाल कुष्ठ का लक्षण कहा गया है, तो क्या ये आर उसकी व्याख्या है, क्या कपाल कुष्ठ की व्याख्या दी गई है क्या, ये मुझे बताओ जो ए में दिया गया है क्या, है या नहीं, नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां दोनों स्टेटमेंट सही दिए रहेंगे, लेकिन जो सी और डी ऑप्शन है ना उसमें आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। तो ये ध्यान में रखो कि भले ही ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आर जो है रीजन वो ए के बारे में नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। नोट करके रखो, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, और आपको एक हैबिट होनी चाहिए कि एक प्रकार से ये क्वेश्चंस जो है कोशिश करो कि कम गलत हो, बिल्कुल भी गलत हो ऐसा नहीं होने वाला है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर गलत हो ही जाएगा क्योंकि कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहते हैं, बट हैबिट अगर आप डालोगे सॉल्व करने की तो जो गलत होने के चांसेस हैं, वो जो गलत होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट है। रेफरेंस दिया है चरक निदान 5वां अध्याय श्लोक नंबर 5 और 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9, शस्त्र से काटने समान या अरणि मंथन के समान, अरणि मंथन को अंडरलाइन करो, अरणि मंथन के समान तीव्र वेदना किस व्याधि में उत्पन्न होती है, शालक्य तंत्र का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शंखक, बी अर्धावभेदक, सी सूर्यावर्त एंड डी वात कुंडलिका। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्धावभेदक। ठीक है, रेफरेंस देखो कहाँ दिया है, चरक सिद्धि स्थान 9वां अध्याय श्लोक नंबर 76, वहां पर भी शंखक के, सूर्यावर्त के और अर्धावभेदक के लक्षण दिए गए हैं। चालक्य में शिरोरोग के लक्षण आए हैं, वहां पर ध्यान में रखो। बहुत बार हमें लगता है कि सिद्धि स्थान में सिर्फ पंचकर्म दिया है और तंत्र युक्ति दी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर मूत्राघात के प्रकार भी दिए गए हैं उसी अध्याय में, तो वो चरक सिद्धि स्थान का 9वां अध्याय पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां ध्यान में रखो 9th का आंसर क्या है, बी। अब क्वेश्चन नंबर 10, चरक अनुसार सतत संधि शब्द गामिन्यश्च वात प्रकृति के किस गुण का लक्षण है। ऑप्शन ए चल, बी विशद, सी शीघ्र एंड डी लघु। तो यहाँ देखो वात प्रकृति के जो गुण बताए गए हैं, टोटल 8 गुण बताए हैं, कौन कौन से हैं, रुक्ष, लघु, शीत, चल, विशद, परुष, शीघ्र, बहु। उसके कुछ कुछ लक्षण भी दिए गए हैं। तो पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी विशद। सतत संधि शब्द गामिन्यश्च यह विशद गुण का लक्षण है। चल में क्या दिया है, चल में पता है किसी को अनवस्थित संधि अक्षी। ठीक है, ये ध्यान में रखो, मैं बता रहा हूँ, आप भले ही डिक्टेट कर रहा हूँ, आप नोट करके रखो, अनवस्थित संधि अक्षी, चल व्यवस्थित, ऐसे हम कोड बनाते हैं। शीघ्र में क्या दिया है, श्रुतग्राहिण्यो अल्पस्मृतया। नेक्स्ट लघु में क्या दिया है, चपल। तो ये ध्यान में रखो, रेफरेंस है चरक विमान 8वां अध्याय, वहां पे प्रकृति का पूरा डिटेल वर्णन आया है। कौन सी प्रकृति बताई गई है, चलो बताओ, शारीरिक की मानसिक, सिर्फ शारीरिक प्रकृति बताई गई है विमान स्थान में, मानसिक नहीं बताई गई है। मानसिक प्रकृति कहाँ बताई गई है, मानसिक शारीर स्थान में बताई गई है, ये ध्यान में रखना है डिफरेंस। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10, जिसका आंसर था ऑप्शन बी विशद। हमारे 10 क्वेश्चंस जो है यहीं पर समाप्त होते हैं, अगले 10 क्वेश्चंस लेके हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। थैंक यू।